नमस्कार। वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में हमने कल आपसे वादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे सितार वादक फतेह अली साहब के इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा, और उस दूसरे हिस्से में हम बातचीत की शुरुआत जो करेंगे वो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है मेरे सामने, और मैं अक्सर इस बारे में सोचता भी हूँ। फतेह भाई, ये बताइए कि आप लोग जब इस तरह के घराने से आते हैं जहां इतनी समृद्ध परंपरा हो, 6 पीढ़ी से परिवार में संगीत चला आ रहा हो, तो वहां पर क्या इस बात की लिबर्टी, क्या इस बात की छूट रहती है कि आप संगीत के अलावा भी कुछ करना चाहें तो कर ले? यानी मान ले, अगर इस सवाल को मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आज अगर आपकी अगली पीढ़ी, चाहे आपकी या मुराद भाई की अगली पीढ़ी में कोई बच्चा ऐसा है जो कहे कि मुझे संगीत नहीं सीखना है, कुछ और करना चाहता हूं, तो क्या उसको इस बात की इजाजत मिल जाती है? देखिए, संगीत ये ऊपर वाले की देन है, और पहले तो ज्यादा लोग स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है स्ट्रिक्ट नहीं है, अभी भी है स्ट्रिक्ट, लेकिन जैसे मैंने कहा कि संगीत ऊपर वाले की देन है और ये सबको नहीं मिलता, तो ये जब तक आपकी रूहदारी, मतलब जब तक आपकी आत्मा गवाही ना दे कि आपको संगीत ही करना है, तब तक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काम जब तक यहाँ से ना हो वो मजा नहीं आता। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी को, मैं किसी की बुराई भी नहीं करता हूँ, गाना बजाना कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं है। वजह यही है कि वो बेदिली से सीखना या बेदिली से काम करना, बजाना गाना कुछ भी हो, तो जब तक आपका दिल नहीं करेगा, जब तक आप उस काम को सही तरीके से पेश नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप कुछ और काम करें। गाना बजाना करना है तो उसके लिए तो आपको गाने बजाने को रूम में उतारना पड़ेगा, जब तक रूहदारी का काम है। उस्ताद आमिर खान साहब का एक शेर है, नगमा वही नगमा है जो रूह सुनाए और रूह सुनाए। तो ये जब मैंने उनसे तो नहीं सुना, लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो में उनकी आवाज से ये जब मैंने सुना, तो मेरे गूज़बम जिसे बोलते ना वो खड़े हो गए, वाकई यार, वही नगमा जिसे रूह सुनाए और रूह सुनाए। तो बात वही है कि जब तक आपके पास वो गाने बजाने की रूह नहीं है तो करना बेकार है। और इसमें आजकल के दौर पे तो खास तौर पे खानदान जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं भी है। आजकल बहुत सारे लोग इतना अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं जो खानदान के नहीं है, तो आप उनको देखिए। इसमें जरूरी है कि आप तभी अच्छा गाना बजाना कर सकते हैं। हमारे एक भाई हैं छोटे, उनको बहुत कोशिश करी कि उनको गाना आ जाए, बहुत कोशिश करी कि सरंगी आ जाए, लेकिन नहीं आई। उन्होंने कुछ और काम अपना चुना, तो वो काम कर रहे हैं। तो बात यही है कि जबरदस्ती कोई काम करने से बेहतर है कि आप वो काम ना करें। खैर, आपने भाई बहुत प्रेम से ये काम किया है और बहुत शिद्दत से किया है, बहुत समर्पण के साथ किया है, तो मुझे एक सवाल ये बताइए, पिछली बार जब हम बातचीत कर रहे थे अभी, तो मैंने आपसे पूछा था कि कभी ये लगा क्या कि यार ये सारंगी के परिवार में आके और सितार पकड़ के फंस गए? अब मुझे ये बताइए कि कभी ये लगा क्या कि गायकी जो सीखी थी शुरू में वो छोड़ना गलत हो गया? अगर उसको गायकी की होती तो शायद और नाम होता, या और ज्यादा लाइमलाइट में रहते, या हो सकता है कुछ जाकर हम फिल्मों में कुछ ऐसा ट्राई करते कि शायद और ज्यादा शोहरत, और ज्यादा नाम, और ज्यादा पैसा होता। कभी यह ख्याल आया क्या? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आया कभी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम अपने अपने सरंगी और सितार से बहुत सेटिस्फाई हैं। हाँ, नाम होना ना होना वो एक अलग ये नसीब की बात होती है कि किसका कितना नाम होता है। गाना बजाना अच्छा है अगर आपके पास, तो नाम एक सेकंड चॉइस हो जाता है कि अगर नाम है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो सुन रहे हैं लोग, गुनीजन सुन रहे हैं, अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा नाम ये है। हाँ, गाना सीखा जो हमने वो हमारे काम आया, क्योंकि हमने गायकी सरंगी में भी सीखने से पहले गाना सीखना जरूरी होता है। और मैं भी ये मानता हूँ कि सिर्फ सरंगी नहीं, चाहे आप दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, खासतौर पर इंडियन इंस्ट्रूमेंट, अगर आप गाना सीखते हैं पहले तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो मैंने आपको शुरू में अभी इसी इंटरव्यू में बताया कि वो जो हमारे दादा या वालिद साहब जो अलाप का तरीका बताते थे,
वो जो मुझे हेल्प मिली उनके बताने से, वो मुझे गाने ने ज्यादा दी, क्योंकि मुझे मुझे मालूम था कि गाने में तो ये मैं निकाल रहा हूँ, ये हाथ से कैसे निकलेगा। तो वो कोशिश करी कि यार मैं जो गा रहा हूँ कोशिश करें कि इसको कैसे निकाल सकते। मैं पहली मरतबा, मैंने नहीं, मतलब मैं पहला आदमी नहीं हूँ कि मैंने ये किया है। ये तो सारे जितने भी गुनीजन बुजुर्ग पुराने हुए हैं सितार के, उस्ताद विलास खान साहब से शुरुआत हुई है, और उस्ताद रईस खान साहब, पंडित रविशंकर, जितने बड़े बड़े लोग, उस्ताद पंडित निखिल बनर्जी वगैरह सब, इन्होंने सब लोगों ने करके छोड़ दिया। वो मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे उस गाने ने बहुत हेल्प करी गायकी अंग बजाने में, क्योंकि मैंने गाना सीखा है 5 साल, 6 साल, 4-5 साल, और क्लासिकल ही सीखा है। ये भी नहीं कि मैंने गजल सीखी हो या कोई और, गजल वजल भी सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लासिकली सीखना है। तो सीखना पड़ेगा। उस गाने से सबसे बड़ी मुझे ये हेल्प हुई कि मुझे गायकी अंग बजाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ, दिक्कत वो ही कि जो वो टेक्निक, कि वो गायकी अंग में सितार में कैसे बजाऊं, वो टेक्निक आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी, बुजुर्गों की दुआएं, हमारे उस्तादों की दुआएं, या जिन जिन से मैंने लोगों से सीखा, सारे उस्ताद ही हैं मेरे, उन सब की दुआएं, और उनकी करनी है कि वो इजीली धीरे धीरे करके आता रहा। और कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि अल्लाह गाना बजवाए हमारे साजों में, गाने की तरह से बजे सितार। दुआ होती है लोगों की कि मैं अपने काम में गाने की तरह से उसको बजा सकूं। असल में रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना भी चाहूंगा मैं कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट में गायकी अंग की बात करता है तो उसका मतलब यही होता है आसान शब्दों में कि दरअसल उस इंस्ट्रूमेंट से, अगर हम फतेह भाई का जिक्र कर रहे हैं तो फतेह भाई के हिसाब से या गायकी अंग की जो परिभाषा भी है आसान शब्दों में, वो यही है कि वो ऐसा लगे कि सितार गा रहा है। और जी जिस जो ये सवाल था मेरा, उस सवाल के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े कलाकारों का आप नाम ले लें जो फिल्मी गीत गाते हैं, उनसे पूछिएगा जाकर, वो हमेशा बताएंगे कि वो इसीलिए सुंदर मीठा गा पाते हैं क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्लासिकल म्यूजिक का है, उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, और उससे जो मिठास आती है, दरअसल वही मिठास लोगों को रास आती है, पसंद आती है। फतेह भाई, मिठास हो रही है तो हिंदुस्तानी सेमी क्लासिकल में भी बहुत सारी मिठास वाली चीजें हैं, तो आपसे तो हम एक कुछ ऐसी चीज सुनना चाहेंगे, और गायकी अंग की बात है, मिठास की बात हो गई है, तो सेमी क्लासिकल में क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं एक तो मैं ये बताऊं आपको, जैसे बहुत सारे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट में गाना बजे का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गाना बजाऊं उसके अंदर। तो हाँ, ये क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, यार ये तो बजा तो क्लासिकल तरीके से रहे हो, कह रहे हैं मैं गाना बजा रहा हूँ, तो वो वाला गाने का मकसद नहीं है ये। तो उसका अरे एग्जाम्पल मैं आपको मिश्र पहाड़ी में एक ठुमरी है बहुत वाह, पुरानी, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो जैसे वो ठुमरी है उसी तरीके से मैं बजा के दिखा सकूं। बाकी उसमें इम्प्रोवाइजेशन है वो मैं करूंगा। एक ठुमरी है, मोरी टूट गई अब आसरे, तो मोरी टूट गई अब आसरे, बलम वर नहीं आए। तो ये मैं गाना गा रहा हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से जो गायकी अंग है वही उसी तरीके से बजना चाहिए, वही बारीकी, डा 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 डा, क्योंकि वर्ड्स तो होते नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, पता कैसे चलेगा। तो बिल्कुल इसलिए पुराने बुजुर्ग भी और अभी भी कुछ लोग हैं कि अगर कोई बंदिश या कोई ऐसी चीज जिसमें अल्फाज हैं, जिसमें वर्ड्स हैं, वो गा के अगर बता दें तो जो सुनने वाले हैं जिनको नहीं मालूम, तो उनके समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज जो जो ये बजा रहे हैं वो ये है। तो इसलिए मैंने ये आपको कोशिश करी है कि मैं थोड़ा सा ये ठुमरी के पहला आपको बोल गा के सुना दूं, ताकि जो सुनने वाले और लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि ये ठुमरी क्या चीज है, उनको पता चल जाए कि सितार में क्या बज रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको मिश्र पीलू आपके सामने पेश करने की।
क्या बात है फतेह भाई। और मैं सिर्फ इसमें इतना ऐड करना चाहूंगा, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, किसी भी प्योर शास्त्रीय राग में जब किसी स्वर के साथ थोड़ा बहुत बदलाव करके कोई राग तैयार होता है तो उसके आगे मिश्र पीलू या मिश्र पहाड़ी या मिश्र भैरवी, यानी अगर आसान शब्दों में आपको मिश्र कोई राग के साथ जुड़ा हुआ शब्द सुनाई दे तो ये समझ लीजिएगा कि उसके शुद्ध स्वरों में कोई छोटा छोटी सी तब्दीली की गई है। मैं सही कह जी 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 थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है कि आदमी हालांकि प्रॉपर राग बजाना एक मुश्किल भी है इस तरीके के, जो चाहे वो पीलू हो, भैरवी हो, खमाज हो या पहाड़ी हो, तो जो प्योर जो शुद्ध राग है ये उनको बजाना भी थोड़ा मुश्किल है और आदमी उन उसमें बजाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बजाना चाहिए, तो उसमें ज्यादा आदमी अपने खुल के नहीं बजा सकता, सिर्फ राग के हिसाब से ही बजाना पड़ेगा। मिश्र लगाने से थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाती है कि आदमी खुल के अपना जो इजहार है म्यूजिक पाता है वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मैं पीलू बजा रहा हूँ तो उसके अंदर सिर्फ भैरवी जबरदस्ती घुसड़ दो, उसका भी एक तरीका है जी, वो एक तरीका आना बहुत जरूरी है कि आप पीनू में अगर भैरवी दिखाएंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, या कोई और राग दिखाएंगे, या कोई और सुर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। ऐसे उल्टा सीधा भी मैं नहीं है कि मिश्र कर दो तो चलो कोई बात नहीं, मिश्र जोक बजा दो तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर आसान करना है तो मिश्र रागेश्वरी कर दो या नहीं, ऐसे उसके तरीके हैं वो किस तरीके से किस अंदाज से लगाना चाहिए सुर। बिल्कुल बिल्कुल, बिड़ा रंग है तो एक बिड़ा रंग होता है खतरनाक से खतरनाक, तो उसको लगाने के भी तरीके, ऐसा ना बिड़ार में ऐसे घुस गए कि वो बेड़ा और कर दिए सारे सुर, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, तो वो एक लिमिटेशन हो, खूबसूरत लगे सुर वो नो जो दिल पे लगे और राग बना भी रहे, और अलग सुर अगर आप लगा रहे तो लोग वाह वाह करें, सर ने पकड़ के बैठ जाए या आंख ना मिसने लगे यार ओह अच्छा अच्छा बेस पर लग गया, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो ये उस मिश्र की जो है स्पेशलिटी ये है कि आप अगर मिश्र लगा रहे हैं तो उसकी सबसे पहले अपनी अपने काम की म्यूजिक की और उस मिश्र की भी इज्जत रख लें, एडवांटेज मिल जाती है उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पेश करना, वो आना बहुत जरूरी है। भाई इंटरव्यू खत्म करें उससे पहले सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें, पहली तो ये कि यूं तो आप जिन कलाकारों के साथ आपने संगत की है या आपको जिन कलाकारों का आशीर्वाद मिला हुआ है उसकी लिस्ट पे जाएंगे तो फिर तो शायद बहुत दिन बात करनी पड़ेगी, कई दिन तक इंटरव्यू चलेगा। मैं पंडित रविशंकर जी के साथ आपकी मुलाकात के बारे में इससे जानना चाहता हूँ क्योंकि सितार को लेकर अगर ग्लोबली आप बात करेंगे तो संभवतः जो उनका योगदान रहा वो बहुत ही ट्रेमेंडस है, बहुत ही अमूल्य है, लाजवाब है, बेमिसाल है, उनके साथ जो आपकी मुलाकात थी उसके बारे में बताएं आप थोड़ा सा हमें। पंडित रविशंकर जी, मैं सही बताऊं तो मैंने सितार सीखना उनको देख के शुरू करा है, जो मुझे मैंने बताया एक सितार हमारे घर पे रखा था, लेकिन वो सितार मैंने सुना कहाँ देखा कहाँ, तो हमारे घर में भी कैसेट उस वक्त दौर थे कैसेट के, तो वो कैसेट देख रहे हैं भाई पंडित रविशंकर, सिर्फ में रविशंकर पंडित भी नहीं लिख रहता था लेकिन वो सुन रहे हैं, वो सुन सुन के मुझे इच्छा हुई, तो मैं किसी कॉन्सर्ट में गया हुआ था अपने वालिद साहब के साथ, वहां से मैंने एक दो तीन और से उनकी कैसेट्स खरीदी वहां से, और वो सुन सुन के, और मैंने दोनों की खरीदी, मैं बताऊं आपको पंडित रविशंकर जी की और उस्ताद विलायत खान साहब की, और दोनों को सुना मैं, गाना सीखते थे लेकिन वो रुचि धीरे धीरे किस तरीके से बिल्ड हुई सितार में ये मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं पहली मुलाकात पे भी आऊंगा, और मैं अपने बचपन की पहले मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको, मैंने शायद पहले जिक्र भी किया है कि हम लोग शायद सिक्स्थ क्लास में थे तो हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना था, और वहाँ जो एडमिशन थे वो फुल हो चुके थे और उन्होंने मना कर दिया था कि अब हमारे पास जगह नहीं थी, तो गए वालिद साहब के साथ गए थे हम लोग, मैं और मुराद भाई, हम दोनों का एडमिशन होना, तो प्रिंसिपल साहब से बात करी, उन्होंने पूछा कि आप फादर से पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने बताया मैं सर, अच्छा, और उन्होंने ये भी बताया कि ये
एक सितार बजाते हैं और सीख रहे हैं और एक सारंगी सीख रहे हैं। तब वो जो प्रिंसिपल थे वो थोड़े से उनके कान खड़े हुए, उन्होंने कहा अच्छा ये बच्चे क्या करते हैं, कौन से सितार बजाते हैं, अच्छा बेटा बताओ वर्ल्ड में सबसे नंबर वन सितार प्लेयर कौन है। तो मैं जिसे मैंने वो कैसेट मैंने बताया तो मुझे वही नाम याद था, मैंने कहा रविशंकर। तो उसमें पंडित नहीं लिखा होता ना, मैंने पंडित नहीं लगाया, बच्चा था मुझे मालूम ही नहीं। तो उन्होंने मुझे टोका, नहीं पंडित रविशंकर जी कहते हैं बेटा। तो मैंने कहा जी जी पंडित रविशंकर जी, मैंने कान पकड़े। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों बच्चों का मैं एडमिशन कर लूंगा स्कूल में, हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला है नेक्स्ट वीक, इनसे पंडित रविशंकर जी की एक धुन बजवा दीजिए और इनका एडमिशन पक्का। तो आप यकीन करें, फिर वो हम लोगों ने दोनों ने मुराद भाई ने मैंने वो धुन याद करी, एक पंचम से गारा राग है और उसकी वो धुन है, मैंने अभी बीच में अपलोड भी करी थी फेसबुक पे वो बजाकर। तो वो हमने याद करी और वो हमने वो उनके एनुअल, तब तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ था वहाँ, जिस दिन वो हमने वहाँ परफॉर्म किया उसी दिन उन्होंने हमारा एडमिशन कर लिया। तो पंडित रविशंकर जी की सबसे बड़ी भूमिका हमारी लाइफ में तो पहली शुरुआत वहां से हुई। तो इसका इसका इसके लिए भी बहुत उनके लिए थैंक यू है पंडित रविशंकर जी को, और हम लोग उनके भक्त। सही मैं सही बताऊं, उनका उनका कौन भक्त नहीं, सही जितने बात भी हम उनको सुन सुन के उनको देख देख के बड़े हुए, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद फिलहाल खान साहब, पंडित रविशंकर रईस खान साहब। तो एक और वाक्य मैं बताता हूँ आपको, मुराद भाई बहुत माशाल्लाह लकी हैं कि उन्होंने पंडित रविशंकर जी के ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने काम किया, और वो कल्याण करके उनका ऑर्केस्ट्रा था, उसकी रिहर्सल चल रही थी श्री फोर्ट में। तो वहां वो रिहर्सल के लिए जा रहे थे, फाइनल एक दिन रिहर्सल के लिए वो मुझे भी साथ में ले गए, अलाउड नहीं था लेकिन फिर भी वो मुझे ले गए, क्योंकि सारे आर्टिस्ट थे वहां पर, मुझे लेके गए। मेरा नसीब कि मैंने पंडित रविशंकर जी को पहली मरतबा इतना करीब से देखा, और वो रिहर्सल चल रही थी, और रिहर्सल के बाद वो थोड़ी सी गपशप किसी से कर रहे थे, और अचानक से पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी भी थे उसमें। तो वो कहने लगे इधर आओ मेरे साथ, वो कहने लगे मैं मिलवाता हूँ, लेकिन मुराद भाई तुम मत आना, मैं इनको मिलवाता हूँ भाई। तो वो उन्होंने मिलवाया मुझे, मैंने उनके चरण स्पर्श किए, वो मुझे मुराद भाई समझ रहे थे उसको। और अचानक से एकदम मुराद भाई फिर सामने आया, तो वो एकदम ऐसे हो गया है ये क्या, ओ माय गॉड, उन्होंने एकदम ये अल्फाज निकाला। और फिर वो थोड़े से संभले, कहने लगे, उनको बताया गया, अनुष्का जी भी थी उस वक्त वहां पर, उनको बताया गया कि भाई ये मुराद भाई की ट्विंस हैं फतेह, और ये भी सितार बजाते हैं, और ये पंडित सतीश कुमार जी के शागिर्द है, और उनके उस्ताद शमशुद्दीन फरीदी देसाई जी के शागिर्द। तो वो बहुत खुश हुए, और तब उनसे पहली मुलाकात हुई। फिर एक दो जगह और फिर उनसे आशीर्वाद मिला उनका, तो हम खुश नसीब है, मुराद भाई भी और मैं भी, मुराद भाई ने तो इतने मतलब खुश नसीब है कि उनके साथ काम किया, उनके बताए हुए ऑर्केस्ट्रा में। तो ये हम लोगों की खुश नसीबी है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहा है, हम दुआ करेंगे आगे भी, और जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, कोशिश करते रहेंगे हम। बिल्कुल 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 फतेह भाई, इस इंटरव्यू को मैं खत्म करूं उससे पहले आपसे गुजारिश एक और बची रह गई है, और वो जो लोग नहीं जानते उनको, चूंकि इस इंटरव्यू में इतनी बातचीत गायकी पे हो चुकी है और मुझे आपको गुनगुनाते हुए सुनने के कुछ अच्छे मौके मिले हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू खत्म करने के लिए कोई गजल जरूर होनी चाहिए आपकी, जो जो इस इंटरव्यू को एक शानदार अंदाज में खत्म करने की तरह। जी, गजल मेरी और मुराद भाई की बहुत पसंदीदा शैली है, बहुत जो, और हम लोग जैसे हमने कहा गाना हमने सीखा है, तो हम खुद ही, हमने वैसे कभी परफॉर्म गजल का किया नहीं, लेकिन पहले तो घर पे बैठ के हारमोनियम लिया और गजल गाने लगे, और हम दोनों के फेवरेट जगजीत सिंह रहे हैं, उनके उनकी तमाम रिकॉर्ड्स हम लोगों के पास में, और हमें शायद
मुझे तो खास तौर पे उनके भाई हार्ट सारी गजलें याद है। परफॉर्म इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अब वो आदत छूट गई है गाने की इतनी, अभी आपने सुना ही होगा इतना अच्छा गाना नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपने अगर कहा है तो मैं एक गजल उनकी मैं जरूर आपको सुनाता हूँ। गजल तो उनकी सारी लाजवाब गजलें हैं, मैं उनकी क्या मिसाल दूं, पसंद हमें सब है। गुलाम अली खान साहब की भी सारी गजलें हमें पसंद है, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की भी गजलें पसंद है, सभी लोग जितने भी लोग हैं, पंकज जी की बहुत गजलें हमने बड़ी सुनी भी है, लेकिन हमारे बहुत क्लोज तो हमारे दिल के बहुत करीब रहे हैं वो जगदीश सिंह जी बहुत रहे, तो उनकी गजल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जब भी आती है तेरी याद कभी शाम के बाद और बढ़ जाती है सुरगति भी। तो अच्छा एक चीज और है कि हर आदमी का एक अपनी चॉइस होती है, तो बहुत सारे लोगों ने हम लोग भी गाने भी हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट पर बजा के अपलोड किए हैं, शायरी भी की है, गजलें भी अपलोड की है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार ये क्या कुछ आशिकी माशिकी तो नहीं है ऐसा कुछ कर, तो उनके लिए भी है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक आर्टिस्ट को हर तरीके का म्यूजिक और उससे म्यूजिक से रिलेटेड चीजें सुननी भी चाहिए, देखनी भी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए, चाहे वो शायरी हो या पुराने गाने हो या गजलें हो ठुमरी हो। आर्टिस्ट का मतलब तो यही है कि आप हर चीज को अपने देखें सुने। तो खैर कोशिश करता हूँ मैं आपके ये गजल, मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि जगदीश सिंह जी को चाहने वाला हूँ तो उन्हीं के लिए एक छोटी सी कोशिश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी।
अगर इसे कोशिश कहते हैं फतेह भाई, तो ईश्वर करे कि ऐसी कोशिश में आप हमेशा कामयाब हो। ऐसे ही आपकी गले की मिठास, मतलब सितार की मिठास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो पूरी दुनिया सुनती आई है, ऐसे ही गले की मिठास आपकी कायम रहे। और बीच बीच में आप जब मौका लगे तो थोड़ा बहुत हम लोग को अपने गाने से, अपने गले से भी रूबरू कराते रहे, ऐसी हमारी दुआ है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। रागगिरी की तरफ से बहुत बहुत सारा आपको धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने समय निकाला, बहुत तफसील से बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात, अपना ख्याल रखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया।